हेलो फ्रेंड्स, मुझे अभिषेक आपन को सेंट्रल एंड ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में स्वागत जनाऊँ। फ्रेंड्स देखो आप आरपीएफ का रेलवे पुलिस तरफ आप बहुत बड़ा निजुक्ति सुजोग आई जो थी कि आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी होती 18 हजार गोटी पोस्ट में वैकेंसी आई उभय पुरुष और महिला मानी सेम पोस्ट वैकेंसी रही पुरुष मानी 9000 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही महिला मानी 9000 गोटी पोस्ट वैकेंसी रही बहुत भल वैकेंसी रही आपड़ी एलिजिबल जल्दी आवेदन करे मुझे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही दशम पास आपड़ जब मिनिमम दशम टी पास करेलवे पुलिस फोर्स में आपको आवेदन करने एलिजिबल हो पारे और आम ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी उभय पुरुष और महिला ये जॉब गुड़ी सब आवेदन करें। फ्रेंड्स आम आगे डिस्कशन करवा ये सिलेक्शन प्रोसेस कौन रोच एज लिमिट कौन रोच लास्ट डेट कौन रोच आम आगे ये विषय डिटेल्स डिस्कशन करने एपर्त आपड़ी आम चैनल को सब्सक्राइब करना एवं मात्र सब्सक्राइब करनी कारण ये जॉब अपडेट गुड़ा आम प्रत्येक दिन आपण मैं नहीं आ देखो आप डिफेंस जॉब अलर्ट ऑफिशियल वेबसाइट को जी वेबसाइट गला नोटिफिकेशन आप देखते आरपीएफ कनेस्टेबल रिक्रुटमेंट 2021 पर आपको वैकेंसी आई टोटा कि आपको वैकेंसी रही 18000 गोटी पोस्ट आप वैकेंसी रही मुझे तरह फिजिकल फुल डिटेल्स डिस्कशन हो सिलेबस कौन रही है आप मेनसन हो एग्जाम डेट मेनसन होगी आगे विषय डिटेल्स चेक करने देखते आपर ऑर्गेनाइजेशन नेम रही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ तरफ आपको वैकेंसी आसी जाए हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशा कैंडिडेट आम ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी को आवेदन करेंगे और जेंडरटी आपड़े रोच बोथ मेल और फीमेल उभय पुरुष और महिला जॉब गुड़े सब आवेदन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप वैकेंसी रही आपको आगे जन सारी 18000 गोटी पोस्ट में आप वैकेंसी आसी बहुत भल वैकेंसी रही आपड़ी एथप एलिजिबल आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स ये थी आप ऑर्गेनाइजेशन नेम हु कैन अप्लाई जेंडर और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट विषय में आम चलते आगे देखने एप्लीकेशन मोड कौन रोच ऑफिशियल वेबसाइट कौन रोज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कौन रोचे आम डिस्कशन आगे करने। फ्रेंड्स देखते आपल्लिकेसन मोड रोच ऑनलाइन आपलाइन माध्यम आवेदन करें और ऑफिशियल वेबसाइट रोचे www.indianrailways.gov.in आपड़ा रोज ऑफिशियल वेबसाइट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी आपकी चेक करें वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एम रही दशम पास आपड़ जब मिनिमम 10th क्लास पास करते हैं जॉब टू आवेदन करने एलिजिबल हो पारे। फ्रेंड्स ये थी आपर एप्लीकेशन मोड ऑफिशियल वेबसाइट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विषय में आप देखते हैं एज लिमिट कौन रही देखते आपंकर एज लिमिट रोच रेलवे पुलिस फोर्स एज लिमिट रोच फर जनरल कैंडिडेट 18-25 वर्ष जो होती जॉब टू आवेदन करने एलिजिबल हो पारे और फर ओबीसी कैंडिडेट मानी रोज 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही है 18-28 वर्ष मध्य रही आवेदन करें और एससी एसटी कैंडिडेट मानी 18-30 वर्ष बयस मध्य रही है से आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स ये थी आप एज लिमिट विषय एबे आम चलते आगे देखने आम सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स देखो अनअकाडमी हूँ इंडियास ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सिस्टम आपण मैंने जदि किसी भी कोर्स नाप चाहते आप किसी भी पाठ पढ़ी जॉब करने चाहते तेल आपको मुझे जन दूँ आप अनअकाडमी सब्सक्राइब करनी आप प्लस मेम्बरशिप जॉइन हो जातु जहाँद्वारा कि आप बहुत सारा बेनिफिट रोचे। फ्रेंड्स देखते आपंकर बर्तमान कंप्लीट बैच कोर्स फॉर एएसओ हाईकोर्ट बैच 8 आप जोटा 28 जुलाई आप स्टार्ट हे और आपण मैंने जब मो कोड यूज करते जेनेल 10 तेल आपको इनस्टांट 10% डिस्काउंट मिलो जहाद्वारा कि आप बहुत भल फायदे रही है और आप देखते आप सेकेंड आस कंप्लीट कोर्स फॉर आरआई बैच 2 पे आसो आप 17 जुलाई जोड़ा स्टार्ट हो। फ्रेंड्स देखते आप अनअकाडमी प्लस मेम्बरशिप नवर फायदा गोटे कौन रोचे आप कंप्लीट सिलेबस पारे अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट पारे और अनलिमिटेड नोट और पीडीएफ पारे और रेगुलर आप डाउट क्लीयरिंग क्लास पारे बाय टॉप एजुकेटर द्वारा आप रेगुलर डाउट क्लीयर क्लास मिले जहाद्वारा जॉब क्रैक बहुत इजी आपको होती सब्सक्रिप्शन ना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छे आप लिंक टू जाए क्लिक कर सब्सक्रिप्शन नहीं पारे। स्टेप सिलेक्शन रही फर्स्ट स्टेप आम रही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन साहब प्रथम प्रोसेस रोचे नेक्स्ट स्टेप आप पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रोचे देन आप फिजिकल टेस्ट रोचे और फोर्थ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट ये चारो स्टेप देखिए आप सिलेक्शन रही आप सीबीटी रही जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रही है आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रोज 120 क्वेश्चन रोज से टोटल मार्क रही 120 मार्क र और टोटल नंबर जो क्वेश्चन रहा आप एमसीक्यू साहय रही है आप एमसीक्यू साहय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोज टाइम ड्यूरेशन रोज 90 मिनिट बा 1.5 आवर आप टाइम ड्यूरेशन रखी ना आप सीबीटी रोज 120 क्वेश्चन रही सब क्यों क्यों आप क्वेश्चन रोज क्वेश्चन रोचे आप जनरल अवेयरनेस रोज 50 क्वेश्चन से आप 50 मार्क
ଏବଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରହିବ 35 କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 35 ମାର୍କ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ପାଇଁ 35 କୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବ 35 ମାର୍କ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି 3 ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ରଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 35% ଆପଣ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଏବଂ SC କାଟାଗୋରିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30% ଯଦି ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 21,000 ଆବୋଭ୍, ଆପଣ 21,000 ପ୍ଲସ୍ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଜବ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ PMT ବା ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ସେ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ PMT ବା ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ହାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣ 165 cm ବା 5'5" ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 80-85 cm। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁରେ ରହୁଛି SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହାଇଟ୍ ରହିବ 160 cm ବା 5'3" ଆପଣ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ SC ST କାଟାଗୋରିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ RPF ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 76.2-81.2 cm ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବାର ଅଛି ଚେଷ୍ଟଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ PMT ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍, ଆପଣ ଗାର୍ଲସ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ PMT ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC କାଟାଗୋରିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 157 cm ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 5'2" ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ SC ST କାଟାଗୋରିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବି 152 ବା 5' ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ PMT ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ବଏଜ୍, ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ। ରନିଙ୍ଗ ରହିବ 1600 m, ତା ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ 5:45, ଆପଣ 5:45 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ 1600 m କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ଆପଣ ରହିବ 4 ଫୁଟ୍ ରହିବ, ଆପଣ 4 ଫୁଟ୍ର ହାଇ ଜମ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପଟି ଆପଣ ରହିବ 14 ଫୁଟ୍, ଆପଣ 14 ଫୁଟ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍, ଆପଣ ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ରନିଙ୍ଗ ରହିବ 800 m। ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 3:40, ଆପଣ 3:40 ଯଦି 800 m କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ ଆପଣ 3 ଫୁଟ୍, 3 ଫୁଟ୍ର ହାଇ ଜମ୍ପ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି 3 ଫୁଟ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଆପଣ ଯଦି 9 ଫୁଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଏବଂ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଯାଏଁ ଆସିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି।